हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो देखने वाले हैं हम डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा सेम 3 का सब्जेक्ट है, SYBSCIT। तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, इसमें हमें हर एक टॉपिक में अल्गोरिदम है, मतलब हर में हमें अल्गोरिदम एक्सप्लेन करना ही है। देन डायग्राम, इंस्टाग्राम तो ईजी है, बट अल्गोरिदम हमें सब में एक्सप्लेन करना है, तो उसे याद रखना, वो सारे स्टेप्स को याद रखना, वो थोड़ा सा टफ जाता है ये सब्जेक्ट में। तो आज हम, ये सबसे पहला वीडियो है इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले मैंने इसमें बताया है कि हमारा अल्गोरिदम होता क्या है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने पॉइंट्स वाइज बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए, आप एक एक को अच्छे से समझ सकते हैं। इन सिंपल वे में अगर बोला जाए तो अल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है या मेथड, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड स्टेप में, तो वो हमारा अल्गोरिदम होता है। सी, एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय अ कॉम्प्यूटेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और आगे जो है वो सारे उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। सेकेंड हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गोरिथम एनालिसिस, मतलब एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम मीन्स डेवलपिंग अ फार्मूला ऑफ हाउ फास्ट द अल्गोरिथम वर्क्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम साइज। मतलब हमें अल्गोरिथम से ही, मतलब हमें पता चलेगा कि हम कितनी जल्दी कोई सम को सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम का साइज उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट फैक्टर दिए हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं हमारा अल्गोरिथम कैसा होगा, कितने टाइम में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज है, टाइम एंड स्पेस। सो टाइम एंड स्पेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंप्यूटर। सो रनिंग टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम शुड बी लेस। ऑब्वियसली हमें अल्गोरिथम हमें शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट करना है, ताकि हमें, मतलब एकदम सिंपल वे में हमें पता चल जाए कि हाँ, इतने स्टेप में हम लोग को ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना है। तो इसका, तो द अल्गोरिदम विच सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया इज नोन एज बेस्ट अल्गोरिदम। मतलब बहुत सारे अल्गोरिदम होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें टाइम और स्पेस बहुत ही कम लगते हैं, वो अल्गोरिदम को हम सबसे बेस्ट माना जाता है और हम उसे ही अप्लाई करते हैं अपने जो भी हमें सीक्वेंस में चाहिए वो। और ऐसे भी माना जाता है कि हम जो अलग अलग इनपुट के लिए हमारे पास अलग अलग अल्गोरिदम रहेंगे, तो जो इनपुट के लिए हमारा छोटा अल्गोरिदम मिलेगा उसे हम जल्दी से यूज़ करते हैं।